काफी अंदर है क्या ये? आप चल ही नहीं पाएंगे। नहीं नहीं अरे क्यों नहीं चल पाएंगे, हम लोग यहाँ के छात्र हैं। वहाँ जाना है, जाना पड़ेगा वहाँ वहाँ पे। इसमें मछलियाँ भी होंगी ना? हाँ मछलियाँ भी, तैरते हैं हम लोग। नहीं नहीं तैरिए नहीं, तैरिए नहीं, क्या करेंगे तैर के? तैरना पड़ेगा। नहीं ये तो नेचुरल है, हमारा जो डला था वो बड़ा बड़ा उधर से निकल। इनका जो है धीरे चल रहा है। हाँ धीरे धीरे चलता है। कौन सा चल रहा है ये? हाँ सर वो आवाज़ ये, अच्छा ये अंदर जा, आप देखेंगे ये अंदर जा रहा है ये। हाँ कि ये इसका पैर होता है। इंसान इंसानों की आवाज़ से सर ये सोचो, ये वाला देखो, ये आप देख सकते हैं। मेरे हाथ में छोड़िए, आप पीछे गिरिएगा नहीं ना। हाँ संभालिएगा आप, एकदम आपका खतरा ही है। ये अंदर चला गया देखते देखते। सर ये हमारे यहाँ BHU में रिसर्च कर रहे हैं और यहाँ पे मोती की खेती, ये खास करके इनका जो स्कीम है मोती की खेती करना, वो इसमें ये बहुत सारी महारत हासिल किए हैं, काफ़ी सारे इनको अवार्ड मिले हैं जो मैं आज आपको दिखाऊंगा। कुछ ये सब चीज़ें ये निकाल रहे हैं, तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज मतलब क्या है इस मोती की खेती में। ये यहाँ पे ये एक सर, ये जो हमारे भारत की सीपियाँ हैं हमारे देश में सभी जगह से पाए जाते हैं। नमस्ते, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अशोक मनवानी है और मैं और मेरी वाइफ कुलंजन दुबे मनवानी, हम लोग पिछले 23 सालों से इस फील्ड में हैं और हमने 18 राज्यों में मोती उगाया है, जिसमें कर्नाटक हो, केरल हो, महाराष्ट्र हो, पश्चिम बंगाल हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, कई राज्यों में हम गए, आसाम, मेघालय, मणिपुर, उस तरफ हमने सर्च किया। हमने इस देश के करीबन 78 डिस्ट्रिक्ट्स में जाके ये सिप जो होती है इनका हमने सर्च किया और हमारे पास के सैंपल्स भी हैं, इसे कोई बड़े हैं कोई इससे बड़े भी मिलते हैं, जिनमें हमने पाया कि हर सिप का मोती अलग अलग होता है। अभी लोग जैसे देखेंगे वीडियो और आ जाएंगे पूछेंगे इसमें मोती कितने दिन में आएगा, ये बताना बहुत मुश्किल है क्योंकि करने के सिवा पहले आप मैं भी अगर आपसे ज़्यादा बातें करता तो यही पहले पूछता कि हाँ, कितने दिन में मोती मिल जाता है। मिल जाता है। अभी आप बताइए कि आम के झाड़ में कितने कितनी क्वालिटी का और किस डंडी में आएगा और कितना बड़ा होगा, ये उतना मुश्किल हमारा उससे ज़्यादा मुश्किल है। ये जो जीव होता है ये आपको मोती देगा कितने दिन में देगा, ये तो आपको करने से ही पता चलेगा। सही बात है, है ना। और इसमें जो है इसका लस्टर रहता है, इसके अंदर लस्टर रहेगा वैसे मोती होगा, सबके अलग अलग लस्टर्स होते हैं। अच्छा इसका येलो मतलब, हाँ यही तो सर्चिंग पॉइंट्स हैं। अभी आप देखिए इसका मोती कितना चमकदार है, ये एक अंधा आदमी भी बता देगा ये मोती अच्छा है, देख रहे हैं सर। इसको कैसे निकालेंगे सर? हाँ सर हम पूरी प्रोसेस बताएंगे सर, ये पहले उगेगा, अगर आप पहले निकाल देंगे सर कोई नहीं खरीदेगा। अच्छा फिर आपको वो कहेंगे कि ये फालतू आदमी है, ये ऐसी फंसाने आया है, इसके इसको निकालिए मत। इस पे कोई डिज़ाइन भी बनी हुई है क्या? सर बिल्कुल सर, इस पे गणेश का बना हुआ डिज़ाइन, आप ध्यान दीजिए गणेश का डिज़ाइन बना हुआ है सर, इसको आप देखिए गणपति का डिज़ाइन बना हुआ है, आप ध्यान से देखिए, है ना सर। आप इस पे भी देखिए गणेश जी का कितना सुंदर मोती है। ये जो डिज़ाइन बनते हैं इसको कैसे मतलब अंदर? हाँ सर, तो ये मोती खुद तो बना नहीं पाती होगी? नहीं, इसमें साई बाबा बना हुआ है सर। Okay. तो इसमें आप ये खुद आपने किया है ये सब काम? सर नहीं सर, ये असल में जूलॉजी बायोलॉजी का सब्जेक्ट है। हाँ, 120 सालों से भारत में पढ़ाया जाता है, लेकिन बात ये ना कई लोग होते हैं पढ़ने के बाद नौकरी ढूंढते हैं, करना है तो आपको खुद करें। तो इसमें ऐसी डाइज आती है, देख रहे हैं आप ये गणपति का है, ऐसे डाइज आती है कैल्शियम कार्बोनेट की बनी रहती है, गणपति का है देख रहे हैं, जैसे जैसे डाइज रहेगी वैसे ही आपका मोती आएगा। ये ज्वेलरी वगैरह में यूज़ होता होगा ना? हाँ ये ओम का है, ये चांद तारा का है, जैसे आपको उसमें डालेंगे वैसे इसका ऑपरेशन करके वैसे मोती आ जाएगा आपका। ये देखिए आपका ही लाउड पूछिए ना। हाँ ये देखिए सर, ये जैसे ये लक्ष्मी का आ गया मोती। तो ये अच्छा सर, इसका मार्केटिंग में समस्या नहीं आता है? सब भारत में आप चाहे सोना उगा लीजिए आपका मार्केटिंग समस्या आएगा, आप चाइना शिफ्ट हो जाइए आपका सरकार खरीद लेगी,
भाई चाइना में ऐसे मेड इन चाइना करके लिखते हैं, हमारे इसमें नहीं है। आप कुछ भी करिए आपको खुद बेचना पड़ेगा, आप ये मत सोचिए कि सारा बाजार है। आलू उगाएंगे सरकार थोड़ी खरीदेगी, है ना। अभी समर्थन मूल्य के लिए कितने सालों से चल रहा है कार्य, तो हमारा आलू का चिप्स बना के बेचना चाहिए। हाँ ऐसा ही प्रोसेस होता है। तो आप जो है एक चीज तो पार पड़ मतलब आप सिंपल मोती नहीं उगा रहे हैं, आप उस पर जड़े हुए ऐसे सिंपल मोती, जैसे जैसे गोल मोती है, अगर हम ये उगाते हैं चाइना जापान से माल इतना आता है कि हमें उनकी कंपटीशन नहीं कर पाएंगे, हम मर जाएंगे, है ना। ये जीवन ऐसे ही चला जाएगा, हम भी कुछ दो पैसा कमाएं। तो इसके लिए हमने क्या किया कि ये डिज़ाइन मोती जो है इसको इस्तेमाल कर दी, जल्दी भी तैयार होते हैं और इनको लोग भावना के हिसाब से खरीदते हैं। अच्छा BHU में आने का मकसद क्या है, क्योंकि ऐसा तो पूरे भारत में कर सकता हूँ मैं। बात यह है ना कि हम बनारस में BHU बनारस की एक आदि जो है, बनारस में अगर BHU एक है, गंगा है जो है ना, शिव का मंदिर है, हाँ महादेव है, हिस्टोरिकल तो उसमें हमें बड़ा मार्केटिंग का योगदान मिलेगा, इसीलिए हम यहाँ हैं। अगर हम वहाँ उगाते हैं, हमारा रेस्टोरेंट मुंबई है, अगर हम वहाँ उगा रहे हैं यहाँ बेच रहे हैं तो फिर वो भी परेशानी होती है, क्योंकि हमारे मुंबई में भी एक खास क्षेत्र से हम आते हैं, उल्लासनगर से। तो उल्लासनगर के जो कॉमन कहा जाता है उल्लासनगर को, कि उल्लासनगर जो है डुप्लीकेट बनाता है, तो उस वजह से हमारा मार्केटिंग भी होना मुश्किल है। समझ रहे हैं, आपने सुना नहीं होगा कि उल्लासनगर एक USA है, यहाँ सब डुप्लीकेट होता है। तो इसलिए हमें यहीं प्रोजेक्ट करना पड़ रहा है कि हम अगर यहीं उगाएंगे, किसी को डाउट है तो वो देख सकता है कि मोती कैसा उगता है। हाँ वो अलग बात है कि हमारा जो पर्ल कल्चर टूरिज्म है, ये हमारा स्टार्टअप में आता है। आप लोग सभी जो वीडियो देख रहे हैं, आप ऐसा ना करिए कि आ जाएँ, मैं भी प्राइवेट सेक्टर से आता हूँ, हमें ICR पूसा से जो रफ्तार से हमें डॉक्टर पी के मिश्रा जी हैं उन्होंने हमें ये प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्ट किया गया है। तो ये मदन मोहन मालवीय का इनोवेशन सेंटर है, उन्होंने हमें सिलेक्शन दिया, मौका दिया है कि आप यहाँ करिए, आपको जो हेल्प चाहिए हम करेंगे। तो इन्हीं की हेल्प से आज 20 सालों में ये इनोवेशन सेंटर कैसे लोगों की मदद करता है, ये इनोवेशन सेंटर ऐसे लोगों की मदद करता है जो रफ्तार नहीं पकड़ते हैं। जैसे मैं कई सालों से था लेकिन रफ्तार नहीं पकड़ रहा था, रफ्तार यानी थोड़ा करते थे बस। अभी हम लोग कंपनी बेस्ड काम करेंगे, इंटरनेशनली जाएंगे, माल को ब्रांड बनाएंगे, किस तरह से जाना है उन्होंने हमें 2 महीने की ट्रेनिंग दी। मतलब ये फंडिंग करते हैं, पैसा देते हैं, ये ऐसे प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं जिन्हें सरकार मदद चाहते हैं सरकार से, तो हमें सरकार से मदद। स्टार्टअप के लिए भी मदद करें, जैसे मैं कुछ स्टार्टअप करना चाहता हूँ अपने घर पे, मेरे पास नहीं, आपके पास आइडिया यूनिक होना चाहिए, आपका स्टार्टअप तभी माना। स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, करिए मत, पहले स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन करिए, तो भी आपको पहले स्टार्टअप एक्सेप्ट होता है कि नहीं। आप कहेंगे कि मैं दाल बेच रहा हूँ तो वो स्टार्टअप में नहीं आएगा, आपकी दाल में कुछ अलग है, न्यूट्रिशन वैल्यू है या कुछ ऐसा, जो भी एनीथिंग हो, तो उसकी वजह से आप स्टार्टअप में। स्टार्टअप सभी का एक जैसा नहीं हो सकता, मेरा स्टार्टअप है, आप ही वही करेंगे तो स्टार्टअप में नहीं आ पाएंगे। हाँ नहीं आ पाएंगे। हम सोच रहे हैं कि मधुमक्खी का जो पॉलिन होता है, हाँ आप यहाँ आ जाइए, बिल्कुल ये कुछ नया हुआ, ये हुआ स्टार्टअप जी। हाँ पॉलिन में भी आप, ये भी पॉइंट है इसमें कि मधुमक्खी हम उगाना चाहते हैं, उसमें 5 तरह के प्रोडक्ट होते हैं ना। नहीं इसमें एक पॉइंट है जो मेन है, आप जो काम कर रहे हैं ना, ये काम दूसरे भी कर रहे हैं।